सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 12 के बाकी बचे घर वालों के बीच में रेस टू फिनाले शुरू हो चुकी है और अब बारी है टिकट टू फिनाले की, जिसके दावेदार हैं 3 दीपक ठाकुर, दीपिका कक्कर और सुरभि राणा। इन दिनों के बीच में फिनाले की टिकट के लिए रेस शुरू हो चुकी है और इसके लिए बिग बॉस ने घर वालों को दिया है एक टास्क और इस टास्क के दौरान घर के बाहर गार्डन एरिया में लगाया गया है एक बूथ और घर वालों को दिया गया है एक मौका अपनी दिल की भड़ास निकालने का इन 3 सदस्यों पर। और इसी टास्क के दौरान बाकी घर वालों ने दीपिका कक्कर उनके बिहेवियर को लेकर, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर, उनके बदले हुए बिहेवियर को लेकर, उनके किए गए हर एक काम को लेकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। यहाँ पर करणवीर बोहरा ने कहा कि तुम सिवाय श्रीसंत के कुछ सोचती ही नहीं हो, उसके पीछे तुमने अपनी रियल पर्सनैलिटी खो दी है। तुम शुरुआत में अच्छा खेल रही थी लेकिन बाद में कहीं खोसी गई हो। दीपक ठाकुर ने कहा कि आप सिर्फ टास्क के अंदर ही अग्रेसिव होती हैं। रही बिहेवियर चेंज करने की बात, तो सबसे बड़ा चेंज तो आपने किया है। रोमिल चौधरी ने कहा कि आप फेक हैं, आपका रियल व्यक्तित्व ही समझ में नहीं आता है कि आप कब गुस्सा होती हैं, कब खुश होती हैं, समझ में ही नहीं आता है। सुरभि राणा ने कहा कि आपने मुझे फेक कहा, बल्कि फेक तो आप हैं, आपकी रियल साइड समझ में नहीं आती है। चेंजेस आप में हुए हैं सडन, मुझ में नहीं, और अगर मुझ में हुए हैं तो मेरा रियल साइड है। और इस तरह से दीपिका कक्कर हर एक घर वाले के तीखे ताने सुनती हुई नजर आई। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।